किताबों बारे भी समान पाते जाइए। गुरु प्यारे सज्जनों, छोटी जी किताब है विचित्र नाटक स्टीक JP संगत सिंह, दो तीन डालर की किताब इतने सच्चे सौदे की किताब तो जा गुरपति सेंटर तो मिल जाती है, जरूर लवो। ये चौणवें लेख दसवें ग्रंथ बारे प्रिंसीपल हरभजन सिंह, इन्हों बारे एक गल अहम है, थोड़े उन्होंने परिवार तो सुनी है। जो ये चढ़ाई करके अपनी अलमारी जिदे दसवें ग्रंथ रखा होंगे सी लॉक ला के रखते, तो उन्होंने नूह राणी जो चढ़ाई करके वह कहती है, उन्हें लेख लिखा सी इदू तो मैं अलमारी खोल दी ना, तुम देखो भी उन्हें की लिखा होगा, इदू तो मैं चंगा हों मैं अलमारी खोल दी ना। वो कहती मैं जो वेख्या भी वे प्रिंसीपल साहब के थां थां ते टुकड़े रखे हुए कागज के, जिथे बहुत ही घटिया, मतलब असी घटिया तो कहने चलो अश्लील कह लो, पर जे असी धार्मिक ग्रंथ मनना तो वह कोई स्टैंडर्ड हों। मैं एक गल याद आई, मैं जर्मन च रह रहा, उस तो 6-7 साल पहला कोर्ट च एक केस गया, तो वर्णन उन्होंने अखबारों वाले वो किया। सैकेंड वर्ल्ड वार तो बाद नगेजवाद पंजाब यूरोप के बहुत फैलिया, किसी बंदे ने किताब के इस तरह की लैंग्वेज वर्त दी, तो उन्होंने कोर्ट च सद लिया गया, तो जज साहब को कह लगा भी मैं अपनी सफाई देने तो पहला मैं एक धार्मिक ग्रंथ पढ़ के सुना। जो उन्हें 2-3 मिनट ग्रंथ पढ़िया तो वो इन्नी कि शलील लैंग्वेज वरती हुई सी क्रिश्चियना के अपने धार्मिक ग्रंथ, तो जज कहती बस बस, कहता जी मेरे तो मेरी किताब तो मैं ये अद्धा भी नहीं वरत्या। वो कहती ये धार्मिक ग्रंथ ही नहीं हो सकता, जज लेडी से उन्हें बंद करवाया और उस ग्रंथ में मुड़ के छानबीन करके साड़िया गया पढ़ के यूरोप के। मैं तो दसन लगा कि जेडे धार्मिक ग्रंथ कोई भी हो, धार्मिक ग्रंथ कहाने का हकदार तो है जे उस किसी लैवल पर जाके समाज सुधार की गल हुई है, तो जे समाज में नशा के हद में रोड़ना है तो फिर आप कर ही नहीं। चोणवें असी एरिया काफ़ी सारिया कापियां इतने करनल अवतार सिंह जी बैठे, इन्होंने हूँ छपवा के, पहला ये किताब उपलब्ध नहीं सी, उन्होंने 22 मंगवाई है, साढ़े को उपलब्ध है, जाते जाते लैके जाना। कुछ गल्डे इस तो इलावा मैं एक दो मिनट होर लै रहा, यह प्यारा सिंह पदम की ऑडिट की हुई हीर है। मैं जब यदा मुख बंद देखिया तो गुरु साहब न यह हिंदी के हीर लिखण वाले की गल करता है, क्यों जेड़ा असी मित्र प्यारे हाल मरीदा का कहना शब्द कह के पढ़ी जा रहे हैं, तुम याद करो यारड़े का सानू सत्थर चंगा भट खेड़िया का रहना, खेड़े कौन सी, खेड़े वो सी जिते हीर व्याई सी, सूल सराही खंजर प्याला, सराही की होंगी है शराब पाने वाला बर्तन, प्याला की जिद पा के पीती जाती है। गुरु प्यारो अपने 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 इलाकों के जिते भी थानू कोई इस तरह कवितावां गाउंदा मिलता है गुरुद्वारे की स्टेज पर, उन्हें पूछो कि तू हीर गा रहा। एक किताबा जिड़िया असी रखी हुई, मैं यदा भी थोड़ा वर्णन करना भी कई भुलेखा पैदा होगा भी असी क्यों रखी हुई हैं, ये असी अपने हिंदी के धार्मिक ग्रंथ हिंदू समाज के गोरखपुर लखनऊ प्रेस गीता प्रेस लखनऊ सर, हाँ गीता प्रेस गोरखपुर की सब तो वध महानता है, असी वो लैनी है दसम ग्रंथ जिन्हों ग्रंथों के लैके बनाया गया। मारकंडे पुराण तुहाडे कोल हिंदी च रखा है, 6 पुराण जिदे 519 पन्ने तो 542 पन्ने तक शिव जी का 1000 नवा, वह नाँ है महास्तोत्र, 6 महास्तोत्र वो 1000 नाँ है, उन्होंने नावों इन्होंने कट्ठे करके इधर उधर जो चोर चोरी करता है ना तो पैड जरूर छड़ जाता है, थोड़ा पैड़ा अच्छ दिखावे अपना स्क्रीन पर, जे कोई सू कहे भी हू हू ये जाप नहीं लिखा तो वह एक टुचर हैगी है, आया कितों वो ग्रंथ अपने आप बोल के दसते हैं। दसम ग्रंथ के 155 वारी इत श्री विचित्र नाटक ग्रंथ ही आता है, की मतलब दसम ग्रंथ नहीं विचित्र नाटक ग्रंथ, 14 वारी तो विचित्र नाटक ग्रंथ च आ जाता है, 14 अध्याय है, 57 वारी या 67 वारी कृष्ण अवतार च कला आता है, 17 वारी राम अवतार च, कुल मिला के 151 वारी इत श्री विचित्र नाटक अध्याय सो एंड सो समाप्त, टोटल आता मैं गिनती बाद फिर भी दसदा रहूँगा। एक रहत नामी किताब कुछ असी लैक्चर करके चले जावे, तुम अपने को सबूत खरीदो, कोई भी रहतनामा जो चाहे वह अपने चौपा सिंह का जो गुरु गोबिंद सिंह का कड़ावा सी, कोई होर कोयल सिंह का जो भी हो, कोई भी बंदा पंजा बाणिया का ये जिक्र नहीं करता, कोई तो गुरु गोबिंद सिंह जी तो आनंद दियां पंज पौड़ियां का पाठ कराई जा रहा, कोई जप जी का कोई कुछ, अगली बार मैं दसांगा भी पंज बाणियां किने बनाईयां। हुण मैं
डॉक्टर हरजिंदर सिंह दलगीर जी को बेनती करांगा कि वो आके स्टेज पर बोलन, उन्होंने को 40 मिनट है जी, जो मैं लोड़ पी तो एक अद्धा मिनट होर घटा दें जब बता दें। धन्यवाद करो डॉक्टर हरजिंदर सिंह दलगीर। पता नहीं मैं 45 मिनट में जस्टिस कर सकता कि नहीं, कोशिश करूंगा। मेरी निगाह में जे मैं एक फिक्रे में कहना होवे तो अखौती दसम ग्रंथ इस धरती से सब तो वड्डा धार्मिक पाप है। अखौती दसम ग्रंथ इस धरती से सब तो वड्डा धार्मिक पाप है। जे गुरु के नाम नाल जोड़नी है, धर्म के नाम नाल जोड़नी है, तो इस तो वड्डी ज्यादती नहीं हो सकती। 1428 सफ़े की किताब है, एडिटेड बुक है। इस विच की शामिल है बहुत ही डिटेल देंगे तो समा मेरा घट जाएगा। मेरे को चंडी की वार दुर्गा की भगवती की तीन वार ने, पता नहीं लेखक को की मुसीबत पै गई कि वक् वक् डिक्शन के स्टाइल में एको चीज़ को तीन बार ही पेश किया जाए, तो जिदे 54 सफ़े ने 74 तो 127 तक। हिंदू अवतारा दिफत 24 अवतार, ब्रह्मा अवतार, राम अवतार, रुद्र अवतार, कृष्ण अवतार, ये काल्पनिक कहानियां जड़िया ने 544 तो 54 तो 555 दो हिस्सों ने 609 सफ़िया में कहानियां ने। हिंदू मिथास की ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन या री इंटरप्रिटेशन या रीप्रजेंटेशन कह लो। शस्त्र नाम वाला 717 तो 808 तक 92 सफ़े की है। पुराने शस्त्रा दिया सिफत या डिटेल है, तफसील है। चरित्रोपाख्यान जमा हकायत फारसी दिया जड़िया ने जबान 1394 तो 1428 तक 35 सफ़े हकायत ने, 809 तो 1388 तक 580 सफ़े चरित्रोपाख्यान ने, यानी 615 सफ़े जड़े ने इरोटिक लिटरेचर है जिन्हों असी ना इन पढ़न लगे घर में पढ़ने लगे जिन्हें शर्म आती है वो इरोटिक लिटरेचर चरित्रोपाख्यान ते हकायत ने। 35 सफ़े पचित्र नाटक ने 39 तो 73 पेज तक आदि हैं, जिदे पहले हिस्से च मिथास गप्पां ने, दूजे च लड़ाइया का जिक्र है। फुटकर जड़े ने वो 4 सफ़े ने 709 तो 712, तो जफरनामा जोड़ा है वह 6 सफ़े ने 1399 तो 94, जाप सवैये ते अकाल उस्तत जड़े ने वो पहले 38 सफ़े ने। तुसी इहदे च देख लो भी जिन्हों कुछ लोग, मैं नहीं, कुछ लोग धार्मिक लिटरेचर मनते हैं वो एक सिर्फ 38 सफ़े ने। मैं जाप कुछ स्पीकर जाप साहब के चौपाई साहब कहते हैं मेरे मुँह नहीं निकलता, मैं गुरु नानक की ज्यादती नहीं कर सकता भी मैं इन्होंने जाप साहब या चौपाई साहब कहाँ। मैं उस गल रिपीट नहीं करनी चाहूँगा जी कह के भी ये नानक छाप नहीं हैगी, तो पर एक गल जरूर दस जाऊँगा बी गुरु गोबिंद सिंह साहब 600 सफ़िया काल्पनिक देवी देवते ने उन्होंने सिफत नहीं कर सकते। कोई कहते भी मारकंडे पुराण चो या होर पुराणा ये जड़िया उन्होंने कहानियां ने पंचतत्व तंत्र चो ने, रामायण महाभारत है वो रीइंटरप्रिटेशन है या ट्रांसलेशन है पंजाबी, गुरु गोबिंद सिंह ट्रांसलेटर नहीं सी। उसको इन्ना सस्ता ना करो, गुरु गोबिंद सिंह ट्रांसलेटर नहीं सी। एक दूसरी गल उन्होंने की लड़ पई सी कि इन अवतारा दिया मिथासिक कहानियां ने उन्होंने प्रजेंट करे, ये तो ऑलरेडी साढ़े को बहुत सारिया पॉपूलर कोई जरूरत नहीं सी। चंडी की उस्तत करन की उन्होंने की जरूरत सी तीन फॉरम्स में। हूँ मैं कुछ कवितावान वाल आवागा, कुछ बाणियों वाल नहीं कवितावान वाल आवागा। बचित्र नाटक है सब तो पहला, बचित्र नाटक जियोग्राफिकल
पक्ष तो भूगोलिक पक्ष तो बिल्कुल गलत है। ये कई जगह से जिक्र आता भी बी चलो गुरु गोबिंद सिंह साहब मैं यही नहीं भी गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जो वो लिखा गया वह हेमकुंट नाम के पहाड़ के उत्ते तपस्या कर रहे सन। मैं उस इलाके गया कई बार गया अपनी आला दुआला घूम के भी देखा मैं तो सत चोटियां जड़िया ने इदा दिन कई जगह पर नज़र आई ने। भाई कान सिंह का पता एक सत चोटियां का बहुत जिक्र करते हैं गिरनार पहाड़ से जोड़ा कि जूनागढ़ के शहर तो बाहर 5 किलोमीटर दूर है 9,000 फुट तक उच्चा पहाड़ है। सत चोटियां ने दत्तात्रेय की चोटी गोरखनाथ की चोटी होती चोटी ने जैनिया की चोटी अंबा माता की चोटी सत उधर भी है होर कई थान से इस तरह के सत पहाड़ ने। पर जी असली गल है भी जियोग्राफिकल पक्ष तो यह किमें गलत है ये देखिए भी गुरु गोबिंद सिंह साहब अपने पहले जन्म अकौती जन्म तपस्या कर रहे सन। तपस्या बंदा कदों करता है या तो डैथ तो बाद करता या डैथ तो पहला करता है। जे डैथ तो पहला करता है फिर तो ह्यूमन फॉर्म च है जे बाद करता है तो इतने कोई सरूप नहीं दसाया गया कि गुरु गोबिंद सिंह एक रोशनी के रूप में है लाइट के रूप में है नूर के रूप में है या भूत के रूप में है कोई इस तरह की फॉर्म नहीं दसी। तो जेकर तपस्या कर रहा एक पहाड़ के उत्ते बैठा कि वह पहाड़ स्वर्ग लोक है कि मात लोक है जे तो स्वर्ग है जे तो नरक है या मात लोक है तो गुरु गोबिंद सिंह मुक्ति नहीं मिली पिछले दिनों में बड़ी स्पष्ट गल है मुक्ति नहीं मिली जे वह स्वर्ग नहीं गया तो अकाल पुरख में ज्योति ज्योत समाया नहीं है तो उन्होंने मुक्ति नहीं मिली है। किस फॉर्म में बैठा है जियोग्राफिकली जेकर वह स्वर्ग में बैठा है तो दैट मीनस के स्वर्ग जोड़ा है उत्तराखंड में है कोई दुनिया के लोगों को कितने स्वर्ग जाने की लड़ नहीं उत्तर जाके कमरा पा लो वो थोड़ा स्वर्ग है। फिर इन्ना गलत लिखा है इस दे कि एक पासे तो गुरु गोबिंद सिंह तपस्या कर रहा है दूसरे पासे कह रहा है भी वह जड़ा है अकाल पुरख में दोए जोत एक हो गए हो जे वह एक हो चुका है अकाल पुरख नाल जे वह हिस्सा बन चुका है तो वक्रा बैठ के तपस्या कितने कर रहा है टोटल कंट्राडिक्शन है बिल्कुल एम्बिगुअस गल एक दूजे के उल्ट गल भी जे तो वह दोए एक रूप हो गए हो तो फिर वह तपस्या कितने कर रहे हैं। फिर अगे जाके कहता है मैनू उन्होंने बुलाया नाले एक हो गया तो नाले मैनू उन्होंने बुलाया। सो जियोग्राफी करी या तो स्वर्ग वह है तो या फिर ये कवि जड़ा है गपौड़े मार रहा है कोई इधर दे कोई उधर दे जिस तरह पहले स्पीकर कह गए हैं भाई गोडी होर ने जिस तरह जिक्र किया कि दो हो जाता कि चार हो जाता चार तो फिर एक हो जाता एक तो फिर अठ हो जाता इस तरह की फिगर जी दी कन्फ्यूज्ड राइटर्स ने फिक्शन का राइटर भी इन्ना कन्फ्यूज नहीं होता हैरी पॉटर अजक थोड़े को चलता पे कितने भी कन्फ्यूजन नहीं करती बीबी राइटर जी इन्ना कन्फ्यूजन दुनिया में किसी राइटर तो नहीं करते बिल्कुल एम्बिगुअस गल पहली तो बाद दूजी उल्ट दूजी तो बाद पहली उल्ट है। फिर इस विचित्र नाटक में नौ गुरुआ की शरिया बेइज्जती की है यूजलैस किया उन्होंने उन्होंने सारे काम को गलत किया और उन्होंने कहा भी वो अपनी पूजा आप कराते रहे शरेआम लिखा भी अकाल पुरख ने कहा भी जिन्हें बंदे मैं पैदा किए पहला सब ने आपो अपना धर्म चलाए आपने अपनी पूजा कराई है मेरी किसी ने पूजा नहीं कराई मेरी गल किसी नहीं की मेरा रस्ता किसी नहीं दसिया तू ही जाके रस्ता दस पहले नौ गुरु रिजेक्ट किए हुए तुम दसो भी कोई सिख हैगा जिहड़ा इस गल नूं मन लवे भी पहले नौ गुरुआं ने कख नहीं किया तो तू जाके धर्म चला नौ गुरुआं की एड्डी वड्डी इंसल्ट जिस दे विच होवे कोई सिख उस नूं ग्रंथ तक ही उन्हें वेखन वास्ते तैयार नहीं होगा। गोल्डी साहब के दूजे भी जिक्र कर चुके हैं भी जिहदे तीर्थ दान करन गए तीर्थ नहाण गए हालांकि तीर्थ नाम जाओ तीर्थ नाम है बच्चे भी गुरु गोबिंद सिंह साहब को प्राप्त करने वास्ते गुरु तेग बहादुर साहब यदा मैं जिक्र दोबारा नहीं कराँगा क्योंकि ये गल रिपीट नहीं करूँगा। अगे आऊँगा मैं जफरनामा वाल जफरनामा जी है फारसी की बड़ी खूबसूरत कविता है किसने भी लिखी है मैं इस गल की दात देना थोड़ी जी मैं पर्शियन थोड़ी सी जानता ज़्यादा नहीं कि परशियन बहुत घट कवितावान यह लिखिया गई ने पर चिट्ठी किसी हालत में नहीं हो सकती
जे गुरु गोबिंद सिंह ने खत लिखना है औरंगजेब नू इस दी इबारत दे मुताबिक कि तुसी मैनू चिट्ठी लिखी है नागपुर बैठे नू 4 दिसंबर 1705 नू मैनू मिली है जिहदे तुसी मैनू लिखा भी कांगड़ आ जा दीना कांगड़ दयालपुरा भाईका तिने पिंड को नाल नाल ने उत्थे आके मुलाकात करांगे ते मैं उहदे जवाब विच तुहानू लिख रिहा भी तुसी नहीं आए ते आ गलत गल इह अंदरूनी गवाही है चिट्ठी की जफरनामे की तो जिहड़ियां गल्लां जफरनामे च लिखियां हैं जिहड़े तुहाडे विच औरंगजेब का करैक्टर जानते ने जे नहीं जानते तो किसी वेले जादूनाथ सरकार की किताब एसटी औरंगजेब 2 वॉल्यूम्स में पढ़ लियो होर भी कई लिखिया है। औरंगजेब बहुत गुस्से हो बंदा सी जो कुछ उस लिखा वो पढ़न तो बाद किसी हालत भी अपने 2 सूबेदार लाहौर ते सरहंद दे सूबेदार नूं खत नहीं सी लिख सकदा ते ना ही गुरजबरदार ते ना एहदी आपना भेज सकदा सी। सीनियर ऑफिसर ते एहदी जिहड़े टैक्स कलैक्ट करन जांदे आ गुरजबरदार जिहड़े पनिशमेंट दिंदे आ गुरज चुक्किया हुंदा इस करके गुरजबरदार पनिशमेंट करदे आ टैक्स ना दिंदे यानी कि इस तों वड्डा ऑफिसर जिहड़ा है सूबेदार नूं छड्ड के किसे मूलिया ऑफिशियल्स विच नहीं हुंदा। औरंगजेब इस लैटर को पढ़ के जी लैटर ने इस कविता को पढ़ के किसी हालत में 2 बंदे अपने भेजना तो 2 चिट्ठियां लिखता पॉसीबल नहीं। एक होर अंदरूनी गवाही की गप ये जी पेश की है एग्जैक्ट वर्डिंग है गुरसना चेकारे कुलद चेहल नर के दह लख शर आयद बरोबेर खबर मेरे भुखे पाने 40 बंदे की कर सकते सन जब 10 लाख के फौजी उसे बेखबर अचानक हमला करते जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी थोड़े तो वो जानते होंगे कि चमकौर कि नगर है ये भी तुम समझते हो गए जे ने एक पिंड सी चमकौर अजे भी पिंड है वड्डा पिंड कह लो छोटा कस्बा कह लो शहर किसी हालत में भी नहीं है। उस वेले इतने शहर सी माछी बड़ा बड़ा वड्डा शहर सी माछीवाड़े की आबादी 1 लाख तो उपर सी क्योंकि ये पत्तन से जिदा गोइंदवाल पत्तन है ये 2 पत्तन सन जितों दरिया पार किए जाते सन जो मुगल फौजा आदि से जब बादशाह निकलते सन माछीवाड़ा बड़ा वड्डा शहर से उन्होंने बहुत छोटा हो गया। चमकौर में 10 लाख बंदा जो खड़ा भी करना हो घोड़े नाल भी हो गए ना फौजी तो नहीं पैदल तुरे हो गए जैंज करके इकट्ठे एक दूजे नाल जुड़ के भीड़ जिदा खड़ी होंगी है 10 लाख बंदा पानीपत तक वो भी लाने लगे एक जियोग्राफिकल गप हूँ फिगर्स देखो 10 लाख 10 लाख फौज उस वे सारे वर्ल्ड की फौज इकट्ठी करने नहीं सी बनते सारे वर्ल्ड की फौज 10 लाख नहीं सी मुगलों की फौज की टोटल गिनती 1.5 लाख तो वही नहीं सी और उस वे बहादुर शाह जो है साउथ में गया हुआ सॉरी औरंगजेब साउथ में रह रहा औरंगाबाद में औरंगजेब को नहीं पता इस अटैक का टोटल फौज जेकर मुगलों की उस वेल हूँ एक मनसबदार का सिस्टम हूँ मनसबदार हूँ जिन्हें मनसब दिता जाता 5,000 का मनसब 2,000 का मनसब 1,000 का मनसब भाई तेनों 1,000 फौजी रखने का हक है पैसे तेन सरकार देगी उन्होंने रखना तू जो तेन आवाज़ आएगी तो तू उन्होंने लैके जंग के मैदान में साढ़े वास्ते शामिल हो जाए मनसबदार उन्होंने कहते हैं कई मनसब इस तरह होंगे 2 अस्पा 2 घोड़ा 2 घोड़े रख सकता है 100 घोड़ा 2 अस्पा 100 2 अस्पा यानी कि 200 घोड़े का तेन आगे घोड़े के 15 रुपये विद्य होते तो सिपाही जो 4 रुपये तनखा होती सी महीने की और जी खर्चा जरा मिलता हूँ सी क्योंकि वो नाल एहदिया भी हूँ सगा टैक्स उन्हें इकट्ठा करना लफ्ज करोड़ी सुनया उन्हें टोडरमल भी करोड़ी सी दुनी चंद भी करोड़ी सी लाहौर वाला टोडरमल सरहद भी करोड़ी सी करोड़ी का मतलब 1 करोड़ दाम टैक्स इकट्ठा करना है वो हिस्सा मिलना है तो दाम जोड़ा वो 40 दाम का 1 रुपया होंगे सी तो यह जोड़ा है मनसबदार वो हिस्सा मिले करता सी टोटल मनसबदार की भी फौज बना लो मैं कहना थोड़ी जी होर के आइए जे तुम राजपूतों की फौज भी बना लो भी नाली सन जोधपुर अजमेर तो अबे जयपुर जी कह दौ ये 3 वड्डियां रियासत सन राजपूतों के जे इन की टोटल फौज भी इकट्ठी कर लो तो 2 लाख नहीं बनती 10 लाख अंदरूनी गवाही दसती है भी ये या तो राइटर कन्फ्यूज है या राइटर शुगल कर दिया भी कोई इधर की गल मार दी कोई इधर की गल मार दी
ਸੋ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੁਆਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਨਾੜੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ 22 ਦਸੰਬਰ 1705 ਦੇ ਦਿਨ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀ ਦੀਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਪੇਪਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਨੇ ਕੁਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੀ? ਸਾਰੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲੱਭੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਕਾਮ ਆਲਮਗੀਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਅੱਸਰ ਆਲਮਗੀਰੀ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਮੁਅੱਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨਾਮਾ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਧੀਆ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਚਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੈ। ਚਰਿੱਤਰ ਪੱਖਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ 615 ਸਫ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਈਰੋਟਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹੀ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਸੂਸੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਸੂਸੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਚਰਿੱਤਰ ਪਖਿਆਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥੋਥੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਸਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਖੌਤੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਲਫ਼ਜ਼। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੌਤਮ ਤਪਾ ਹੱਲਿਆ ਇਸਤਰੀ ਇਸ ਦੇਖ ਇੰਦਰ ਲੁਭਾਇਆ, ਸਸ ਸਰੀਰ ਚਿਹਨ ਪੱਗ ਹੋਏ ਤਾਮਨ ਪਛੋਤਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 1344 ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਚਿੱਤਰ ਪੱਖਿਆਂ 'ਚ ਪੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੱਗ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਪੱਗ ਦਾ ਰੋਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਪੱਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਪ ਕਾਮ ਦੀ ਹਰਕਤ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਚਰਿੱਤਰ ਉਪਖਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਦਇਨ ਦੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਸ ਫਿਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਵੀ ਮਿੱਥ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਵੀ ਮਿੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਪੱਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਪਰ ਵੀ ਮਿੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਟੋਟਲ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਲਾਈਨ, ਜੋ ਲੋਡਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਤਿਸ ਲੋਡੇ ਕੋ ਕਿਸ ਕੀ ਤਾਤ, 376 ਸਫ਼ਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੀਨਸ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲਫਜ਼ ਨੂੰ ਲਫਜ਼ੀ ਇੱਕ ਲਫਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੌ ਕਾਢ ਟਕਸਾਲ ਜਾਂ ਜੱਥੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਸਵੰਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਘੋਟੇ ਤਾਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਸਵੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੇ, ਬੀ ਏ ਐਮ ਏ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਫਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਪੀਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬਹੁਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰੋਟਿਕ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਪਠਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਈ ਇੰਦਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਭੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰੋਟਿਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਬਲੂ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਸੀ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਂਝਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਾਰਡਾ ਰਾਂਝਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਖੇੜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਪੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰਾਹੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੇ 5 ਦਸੰਬਰ 1705 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, 6 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। 7 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ। ਆਲਮ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਗਿਆ, ਪੈਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਢਾਸ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਨੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਨਬੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਵੀ ਢਾਸ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਢਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੰਢੇ ਚੁਬਰੇ ਆ, ਟੁੱਟਣ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੁਣ ਕੇ ਸਦਮੇ ਹੀ ਦਾ ਮਾਹੀ ਪਾਣੀ ਕਾਮੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜੰਗਲ ਖਾਲਸਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 1706 ਦੀ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ। 16 ਜਨਵਰੀ 1706 ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਔਰ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਕਤਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਇਹ 15-16 ਦਿਨ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਪੈਦਲ ਬੰਦਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਾਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਖਰੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਹੈ, 22 ਦਸੰਬਰ 1705 ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈਕਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ 2006 ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
जिस तो बाद मूवमेंट जी हिंदी मूवमेंट है दस अखौती दसम के खिलाफ जी इसने बहुत ज़्यादा ताकत पड़ी है क्योंकि इन्हों की कॉन्स्पिरेसी सी कि दोनों इकट्ठे कर दौ जिते सारे पुजारी गए हुए सन जिते सारे डेरेदार गए सन संगत विचों एक भी बंदा नहीं जो तुम किसी को उस वे तस्वीर हो देखो तो उसे संगत में कोई भी नहीं सब डेरेदार से हालांकि एक खत्म उत्थे कर दिया तो लखी जंगल तक पहुँचते गुरु साहब बाद चे लखी जंगल की रचना दयालपुरा भाईका तो पहला दी नहीं हो सकती। सो इस करके अंदरूनी कोई दसती है भी यह कविता भी गलत है और जी दोनों की लैंग्वेज है ये 18वीं सदी तो शुरू हुई थी 1705-6 17वीं सदी का 17वीं सदी के अखीर 18वीं सदी के पहले दहाके की यह पंजाबी जबान नहीं सी कि नहीं मिलती इस तरह की पंजाबी जबान वारशाह जरा लिखता है वह कितने जाके 1780 के करीब लिखता है वो जबान तो यदि जबान बाकी रचनावान आप दसोंगे तो रखो तो यह अंदरूनी गवाही के लैंग्वेज के हिसाब के नाल बिल्कुल गप है। वैसे हम रैफरेंस आया से चलो भी जिक्र कर देना भी कहा जाता है कि गुरु साहब आपे मनते हैं कोई भी इन्हों की किताब नहीं कहती भी गुरु साहब तलवंडी साबो 16 जनवरी जाके 1706 के 30 अक्टूबर में तुरे आ किसी किताब वक्रिया डेटा नहीं दिखाई हाँ देसी महीने के हिसाब न 9 महीने 9 दिन 9 घंटे भी पा दें 9 मिनट 2 सेकेंट भी शायद पा दें क्योंकि घड़िया का इन्होंने कोई अपना कैलकुलेशन का सिस्टम उठा होगा पर 9 महीने 9 दिन कहें फिर कहते भी उत्थे उन्होंने 30 बंद 32 बंद 36 बंद के नाँ पा दें तो आप अपने रिश्तेदारा के नाम पाए जाते हैं भी उन्होंने संथिया दी तो गुरु ग्रंथ साहब द्वारा लिखाया भाई मनी सिंह को 1429 सफे ने गुरु ग्रंथ साहब के 1429 सफे की कथा करनी हो 9 महीने 279 दिन कथा नहीं हो सकती 24 घंटे लगे रहो तभी नहीं हो सकती शक्तियां नहीं हो सकती फिर नाल उसनों लिखाई जाना जबानी लिखाना है फिर स्पेलिंग चेक करने उसका स्वरूप तैयार करना यह भी निरी गप है। कारण यह है दमदमी बीर जिहड़ा लफज चलिया है वह आनंदपुर साहब च एक है तख्त दमदमा साहब केसगढ़ साहब इधर है जे थोड़े जहाँ थले जाओ जिते गुरु के महल ने गुरु के महल में 3 गुरुद्वारे ने थड़ा साहब दमदमा साहब तो गुरु के महल जिते रहते गुरु साहब वो बाहर ही उन्होंने एक जरा दरबार लाते तख्त साहब कहते उत्थे भाई मन सिंह को 1678 इस रूप जरा फाइनल करवाया गया जो गुरु ग्रंथ साहब दास असले जिन्होंने दमदमी पीर कहने उस दमदमे करके दमदमी पीर कहते तलवंडी साहबो करके नहीं तलवंडी साहबो जाके कॉपियां हुई ने और यह तलवंडी जी दमदमा साहब आनंदपुर साहब की बीट से भाई मनी सिंह 1698 जो उस मई में अमृतसर का चार्ज दिता गया उदों अपने नाल लैके गए हैं इस बीट में फिर गुरु साहब जे भाई मनी सिंह ने गुरु साहब को तलवंडी साहब लैके गए उत्थे कापियां हुई ने यह गल मनी जा सकती ना अखौती दसम ग्रंथ जोड़ा तलवंडी साहबो कंप्लीट होया तो ना गुरु ग्रंथ साहब कंप्लीट हो किसी पक्ष तो भी ना जियोग्राफिकल पक्ष तो ना अंदरी अंदरूनी गवाही के पक्ष तो ना पॉसीबिलिटी के फीसीबिलिटी के पक्ष तो यह दोवें गल् जबत होंगे ने सो ये दोवें गल् प्योर झूठ ने। भगौती की वार के बारे सारा कुछ दसया जा चुका है अरदास के बारे में ही दस अरदास जो कुछ पहलिया ने अखीर के आग भी जोड़ा है वो भी गल अलग है दसम ग्रंथ की गल नहीं है पर फिर भी जिदा नाल इकनाम चढ़ती करा वह जहा ही इन यह साजिश क्यों हुई मैं सिर्फ इस करके करके जिक्र कर रहा भी यह साजिश किमें हुई है भगौती की वार का पहला हिस्सा जोड़ा है तुहाडी अरदास किमें शामिल होया तो नानक नाम चढ़ती कला तेरे बारे सरबत का भला किमें शामिल होया तो पता होगा कि दरबार साहब जिहड़ा अमृतसर है 1765 आजाद हो गया अहमद शाह दुरानी का काम खत्म हो गया हालांकि है मरिया 1772 है 1762 उसने अटैक किया दरबार साहब पूरे फिर सिखा ने दोबारा तैयार किया थोड़ा जहा 1 दिसंबर 1764 के दिन इतने एक बार फिर उन्हें अटैक किया 30,000 फौजा से 18,000 बलोच फौजा से 12,000 अपनी फौजा से भाई गुरबख्श सिंह जिहड़े ने जिन्हें शहीदी स्थान बनया भी होया काल तख्त की बिल्डिंग के नाल जिहड़ा कि एक्चुअल गेट से दरबार साहब का गुरु बाजार में असल गेट ये यह जरा घंटा घर है अंग्रेजा ने बनाया ये दरबार साहब का असल गेट नहीं है हूँ असल गेट ही बनया पाया असल गेट वो जिसनों बंद करने वास्ते उ खंड पाठ की पाठ करने वास्ते उन्होंने कमरे वाधू बनाते गुर बंदा गुरबख्श सिंह की यादगार जी इतों रस्ता आंदा सी वो इन फॉर एवर बंद करता गुरु का दसिया रस्ता बंद कर दिता जो असली सगा
और नकली रस्ता शुरू करवा लिया। सो इस थान से पहली दसंबर 1764 दिन जी जंग हुई तो 30 सिंह जो 30,000 के नाल लड़ते शहीद हुए हैं। काजी नूर मुहम्मद ने जंगनामा जिदा जिक्र किया बहुत सोनी गलों ने सुनिया पढ़िया फिर करा इस मौके पर गल मैं दस भी साजिश की हुई है 1765 कब्जा हो गया है पंजाब के लाहौर से कब्जा होने बाद अमृतसर से कब्जा हो गया अमृतसर कब्जा होने बाद इतने आने शुरू हो गया पुजारी सब तो पहला इतने जो प्रीतम दास उदासी आया जिसने आके झंडा अपना खड़ा किया बुंगा बनाया ये वो बुंगा है जिते अजकल अकाल तख्त अखौती सकत्तरेत है यो थान उ झंडा उन्हें खड़ा किया बाद झंडा डिग पिया कवर ना उन्हें आसिक ने आके उस झंडे को दोबारा खड़ा करता एक नाल होर नवा खड़ा करता जिन्हों लोग मीरी पीरी का झंडा कह लगे उदासियों के झंडे को मीरी पीरी का झंडा बनाता वह उदासियों का झंडा सिखा का झंडा नीला से जोड़ा कि नहंगा ने रखा एक गल दूसरी है गल भी इस थान पर आके उदासियों और निर्मलिया ने आके इस तरह सेवा संभाल ली है जंगलों में लड़ते हुए सिखा को गुरु ग्रंथ साहब पाठ करने का या गल सीख दिया सो इन्होंने आके जो कब्जा किया है तो कब्जा करने वाले जो पहले बंदे सन सूरत सिंह उसका पुत्र से संत सिंह ज्ञानी जी उ पट्टी लगी है भी रणजीत सिंह लो सोना लुआ की सेवा इसने करवाई थी वो निर्मला से सूरत सिंह निर्मला संत सिंह संत सिंह के दो पुत्र सन एक गुरमुख सिंह दूजा चेला पुत्र दरबारा सिंह गुरमुख सिंह दरबारा सिंह जिन्होंने गुरुदास पासे छेवीं लिखी है इन्हों तो बाद पुत्र प्रदुमन सिंह है प्रदुमन सिंह तो बाद सारा खानदान जोड़ा सारे निर्मले कब्जे करते हैं जी अखौती दमदमी टकसाल अपने आप कहें वो कहें भी साढ़े ये मुखी सन इतों शुरू हुई है ये साबित करता भी कि दमदमी टकसाल नहीं निर्मला टकसाल है दमदमी टकसाल तो 1977 तो पहले तुम किसी किताब में दुनिया भर की भावे अंकुश चुक लो तो भावें कुछ चुक लो इन्हों अपने लिखत चुक लो उत्थे भी तुम जत्था महता पिंडा नज़र आएगा। सो निर्मल ने जो कब्जा कर लिया तो अरदासा तो नितनेम तो अमृत बाणिया इन्होंने कायम कीतिया ने 1765 तो बाद सारा कुछ होया 1790 के करीब इन्होंने अखौती दसम ग्रंथ उत्थे रचिया जाके निर्मलिया ने पटने सुखा सिंह के होर इन ग्रंथियां ने यह सारिया इधर सूरत सिंह बैठा इन्हों का भाई सगा भाई नहीं धर्म भाई इन्हों का भाई सूरत सिंह जिहड़ा है उसने भगत रत्नावली ज्ञान रत्नावली भाई मनी सिंह के नाम जोड़न वाली जन्म साखी तीन किताबा लिखिया कहता लिखिया भाई मनी सिंह ने है नहीं कि सारिया पता लगता है भी निर्मलिया की सोच वाली ने तो यह सारा निर्मलिया ने अरदास पाई है इन्होंने तोड़िया नितनेम दियां बाणियां 13 सफे जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब दे असल नितनेम दियां बाणियां 13 सफे ने वो हटा के इन्होंने दो वो पाइयां पटने वालियां दे आ के निर्मलिया दियां ते इस तों बाद जिहड़ी इन्होंने कविता पा के भी ये सारी की सारी अरदास ही गुरु नानक साहब दे नाल नाल जोड़ दित्ती जाए नानक नाम छड़ी कला तेरे खाने से होता ये बाबे नानक ने पेश की हुई तुहानूं विचकार असीं लाइनां पा लईआं ने सो ये सारिया साजिशां जिहड़ियां ने निर्मलिया ने क्रिएट कीतियां और सिखी जिन्ना रला है निर्मलिया ने क्रिएट किया या थोड़ा जहा रोल जोड़ा है वह सौ काट साहबजाद का है साहबजादा तो मेरी मुराद है कि पल्ले बेदी त्रेहन के सोढ़ी खानदान के जोड़े अपने गुरु साहब ने रिजैक्ट किए टब्बर जे रिजैक्ट ना किए तो गुरगद्दी उन्होंने मिलती वो टब्बर ने जाके कहानियां लिखिया सब तो पहला सूरदस पल्ला है जिन्हें महबा प्रकाश लिखा तो बाकी ने इस हिस्सा पाया तो यह सारिया जी करतूत ने निर्मलिया तो अखौती साहबजादियां ने एक आखिरी गल जी है वह करके मैं खत्म करनी चाहवागा गल चली सी विचित्र नाटक की वो मैं एक रह गई सी मैं हूँ मैं थोड़ा साझी करना चाहवागा भी गुरु नानक साहब लव से कुछ की औलाद दसते हैं लव की औलाद दसते हैं लव की औलाद दसद्या दसद्या कुर्सी नामे ने तीन कुर्सी नामे मैं गुरु नानक साहब के आप वेखे एक मैं फोटो खिंच के भी लिया जो कि भिहोवे चिटिया है भिहोवा हिंदुआ का तीर्थ जिथे थोड़े बच्चों कई खानदान के भी कुर्सी नामे पे होंगे इदा मटन हैगा कश्मीर में उत्थे पाया हरिद्वार भी पाया मैं तिना थावान तो तीन कुर्सी नामे कॉपी किए हैं तिना कुर्सी नामे किसी 11 किसी 13 पुश्तां बनदियां लव तो वध गुरु नानक साहब दियां तुसी सारे इन्ना तो जानते हो 25 साल की उम्र च पहला बच्चा होंदा है आदमी के घर में 30 ला लो 40 ला लो रिकॉर्ड तोड़ दियो तां कोई बहुत होएगा बच्चा 50 साल तो बाद बच्चा पैदा होएगा यानी 50 साल की एक पुश्त ला लो ये 13 पुश्तां पा लो तो 650 साल बनते हैं 1469 विचों 650 कट दियो तो 819 साल बनता है जब रामचंद्र का पुत्र लव 819 साल में कायम सी गप मारन लगियां बिना ये वेखदे नहीं भी कोई घट्टो घट कैलकुलेशन तां कर लईए
ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਦਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਗੱਪ ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਕਦੇ ਉਸ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਖੌਤੀ ਦੱਸਣ ਗ੍ਰੰਥ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਹੈ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਬਚਿੱਤਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੀ ਹੈ ਮੈਂ 1997 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਮੈਂ ਡੈਨਮਾਰਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾਰਵੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਚੰਡੀ ਦੀਵਾਰ ਵਗੈਰਾ ਉਸ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੀ ਲਿਖਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ 1998 'ਚ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਉਹਦੀ ਹੈ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਹੈ ਸਵਈਏ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਾਪ ਅਤੇ ਸਵਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰੱਖ ਰੱਖ ਚੂ ਸਾਧ ਗਏ ਅਤੇ ਚੌਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੋ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਉਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਆਖੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਖੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਜਰ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਾ ਦੇ ਲਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮੰਨਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲਗੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਿੰਡ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲਗੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ